दोस्तों सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर साफ साफ कहा गया है कि कोई भी रिपोर्ट आप दर्ज करवाने जाते हो पुलिस स्टेशन के अंदर, तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू टेक कंप्लेंट फ्रॉम द कंप्लेनेंट। पुलिस ऑफिसर इज लीगली बाउंड टू रिकॉर्ड इन राइटिंग एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन। ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग है, यानी उनकी ड्यूटी के अंदर आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास कंप्लेंट लेके जाते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि उस कंप्लेंट को राइटिंग के अंदर लिखा जाए पुलिस स्टेशन की डायरी के अंदर। फिर वो कमीशन कॉग्निजेबल्स ऑफेंस के अगर आता है तो फिर तो और ज़्यादा उसके ऊपर बाउंड हो जाता है। और अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो सच कंप्लेंट है वो नॉन कॉग्निजेबल के ऊपर आता है तो एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करवा कर वो कंप्लेनेंट को देना चाहिए सिग्नेचर करके, और उसको पढ़कर भी बताना चाहिए अगर नॉन कॉग्निजेबल हो तो। और कॉग्निजेबल है तो फिर एफआईआर तो दर्ज करना ही करना है, उसके ऊपर ड्यूटी बाउंड है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी आपने कंप्लेंट जो है वो राइटिंग के अंदर और उसको राइटिंग के बाद जो भी अपराध है उसको दर्ज करने के बाद डिटेल्स के अंदर उसके अंदर लिखा जाए और उसको पढ़कर सुनाया जाए, उसके बाद उसकी सिग्नेचर लेकर उसको फिर ऑफ कॉस्ट के अंदर वो जो कंप्लेंट है एफआईआर की कॉपी उनको कंप्लेनेंट को दिया जाए। तो एक केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनती रमुबी 1993 की केस है, क्रिमिनल लॉ जनरल 3684 नंबर का पेज है, सुप्रीम कोर्ट की केस है। उसके अंदर 154 सीआरपीसी की ये धारा का विश्लेषण दिया गया है कि इट हैज़ बीन हेल्ड दैट एनी लैक ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन शुड नॉट प्रिवेंट द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है ऑफेंस जो है वो दो शहर है, एक दिल्ली है और एक बॉम्बे है, तो ऑफेंस जो है वो बॉम्बे के अंदर हुआ है और वो व्यक्ति उस ऑफेंस को कंप्लेंट देने के लिए गया दिल्ली के पुलिस स्टेशन के अंदर, राइट। तो दिल्ली के पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर है उनके ऊपर बाउंड है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसे वो रिपोर्ट दर्ज करवा कर संबंधित जो पुलिस स्टेशन से यानी जहाँ पर ऑफेंस हुआ है मुंबई के अंदर, तो वहाँ से रिपोर्ट मुंबई के पुलिस स्टेशन के अंदर उसको भेजा जाए। ये केस के अंदर साफ साफ बोला गया है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनती रमुबी 1993 की केस है, सुप्रीम कोर्ट की केस है, पेज नंबर है 3684। एंड फॉरवर्डिंग द सेम टू द पुलिस स्टेशन हैविंग ज्यूरिडिक्शन, जो ज्यूरिडिक्शन के अंदर वो जो ऑफेंस हुआ था वो जो केस है वहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड कर देने चाहिए जीरो एफआईआर लिखकर, क्योंकि ऑफेंस तो मुंबई में हुआ और दर्ज करवा रहे हैं दिल्ली के अंदर, इसलिए उस दिल्ली के पुलिस स्टेशन के ऊपर बाउंड है कि वो ऑफेंस रजिस्टर करके जीरो एफआईआर रजिस्टर करके संबंधित ज्यूरिडिक्शन के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिए। इन विच द क्राइम वाज सेड टू हैव बीन कमिटेड। एफआईआर के अंदर क्या चीज़ें आती है, इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने साफ बोला है एफआईआर के अंदर जो है कॉग्निजेबल्स जो ऑफेंस है वही आते हैं। एफआईआर किसे कहा जाता है और सेक्शन 154 क्या है? सेक्शन 154 जो है वो इफ़ द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन राइटिंग, सेक्शन 154 के अंदर एफआईआर के अंदर जो है जो इंफॉर्मेशन है इज गिवन इन राइटिंग और ओरली दोनों आता है,
दो आता है टू, इफ रिड्यूस टू राइटिंग व्हेन इंफॉर्मेंट इज गिवन ओरली टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड ही रिड्यूस इन टू राइटिंग। ओरली जब FIR हम कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन को देते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल से, तो पुलिस ऑफिसर को वो पावर है कि वो जो ओरली जो बातें बता रहे हैं उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो रिड्यूस कर सकता है। पूरे डिटेल्स में कभी कभी पुलिस ऑफिसर नहीं लिखते तो रिड्यूस कर देते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है वो कंप्लेन के अंदर आ जाती है। और साइन बाय द इंफॉर्मेंट, उसके बाद जो उसने जो कंप्लेन लिखी है वो इंफॉर्मेंट को बताई जाती है और उसकी सिग्नेचर उसके ऊपर लिया जाता है। द इंफॉर्मेशन एज टेकन डाउन इन राइटिंग शैल बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, और जो उसने उस कंप्लेन के अंदर दर्ज किया है वो पढ़कर बताना है इंफॉर्मेंट को, उसके बाद उसकी सिग्नेचर लेना है। तो ये सेक्शन 154 के अंदर आता है। उसके अंदर चौथा और बताया गया है, ये द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन शाल देन बी इंटर बाय पुलिस ऑफिसर इन बुक कॉल्ड स्टेशन डायरी। और जो मुद्दे है वो स्टेशन डायरी के अंदर पुलिस ऑफिसर ने मेंटेन करना चाहिए, लिखना चाहिए। और सेक्शन 154 क्लॉज वन 2013 के अंदर जो है अमेंडमेंट हुआ है कि अगर कोई लेडीज़ उसके ऊपर अगर सेक्शन जो है अंडर IPC सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, B, C, D, 376, 376A, B, C, D, E और सेक्शन 509, अगर ये ऑफिस ये ऑफेंस उस लेडीज के ऊपर हुए होंगे या फिर अटेम्प्टेड या करने की कोशिश कोई व्यक्ति करता होगा, तो वो जो कंप्लेंट है शाल बी रिकॉर्डेड बाय वुमन पुलिस ऑफिसर। तो अगर लेडीज की अगर कोई कंप्लेंट है तो वो लेडीज ऑफिसर ने ही रिटर्न के अंदर लिखना चाहिए। ये 2013 का अमेंडमेंट के अंदर है। तो ये कुछ बातें थी सेक्शन 154 के अंदर, मैंने आपको बता दी है। थैंक यू वेरी मच।